मुंबई के तिलक नगर में भगवान के घर चोरी होने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मुंबई के तिलक नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक मंदिर में चोरी होने का मामला सामने आया। वहीं इस मामले में तिलक नगर पुलिस ने 3 आरोपी राजेश उर्फ राजू मारुति वंजारे, कैलाश रामजद निषाद और फारूक अली मोहम्मद हनीफ शेख को नवी मुंबई के तुर्वे क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने सेंधमारी करते हुए मंदिर से 1 किलो वजन की चांदी की पादुका, जिसकी कीमत लगभग 30,000 थी, उसे चुरा लिया था, जो कि आप इस सीसीटीवी में साफ तौर पर देख सकते हैं। पुलिस की यह कार्रवाई तिलक नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कुमार कदम व उनकी टीम के द्वारा सफल रही। मुंबई से आसिफ शेख की एक रिपोर्ट।